साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में दो पक्षों में नोकझोंक के बाद फायरिंग हुई है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। देखिए दो पक्षों में पहले नोकझोंक हुई और उसके बाद देखते ही यह नोकझोंक झगड़े में तब्दील, और एक युवक छत पर चढ़ जाता है और फायरिंग करता है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, आप देख रहे होंगे किस तरीके से यह युवक, जिसके हाथ में आपको वेपन दिख रहा होगा। बड़ी खबर जहानाबाद से निकल कर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ नंबर 101 पर दो गुटों में नोकझोंक मारपीट, और इस दौरान एक पक्ष के युवक ने अपने घर के छत से दो राउंड हवाई फायरिंग की है। देखिए उसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला, माहौल जो आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था उसे शांत किया है और तमाम जो मतदाता है फिर से वोटिंग करने लगे, मगर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। प्रशासन ने सही वक्त पर एक्शन लेते हुए माहौल जो तनावपूर्ण हुआ था उसे शांत किया है, मगर युवक के हाथ में हथियार और दो राउंड हवाई फायरिंग, ये तस्वीरें सबसे बड़ी तस्वीरें जहानाबाद बूथ नंबर 101 से निकलकर आ रही है। मगर उसके बाद पत्रकारों से बातचीत भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने की है, क्या कुछ कर रहे हैं सबसे पहले आप सुनिए। ये भोजपुरा गांव में एक बूथ है जिसमें वोटिंग चल रही थी। स्वाभाविक रूप से करीब 2 बजे के आसपास ऑफ टाइम हो जाता है, वोटर नहीं थे। एक वहां पे जो पोलिंग एजेंट के रूप में बताया जाता है बिंदु से, वो अपना निकल के बूथ से अपना घर जा रहा था, खाना खाने घर जा रहा था। तो वहाँ यहीं पर यहाँ पे बताया जाता है मतदान केंद्र से करीब ये जो घर है 100 मीटर दूर, वहाँ पे वो अपना घर के पास, क्या नाम है राज कपूर, वो लड़का उसको रोका और कहा कि बड़ा टोक टाक कर रहा था ये पे वोट करने में, उसको एक दो डंडा बताया कि तो ही जब लोग दौड़ा ना तो वो अपना छत पे चला गया, एक हवाई फायर किया। बोकस वोटिंग को लेकर कह रहा है विवाद हुआ है सर? नहीं, विवाद की बात नहीं है, वो आरोप लगा रहा था ये कि अब हमारा जो बोकस वोटिंग, उसका तो यही कह रहा था कि बोकस वोटिंग जो हम करवाना चाह रहे थे तो उसमें तुम टोक टाक कर रहा था, तो क्यों टोक टाक कर रहा? कितनी फायरिंग हुई सर? एक दो, लोग गांव वाले बताते हैं दो, कोई कोई एक बताते हैं, लेकिन फायरिंग हुआ है ये। अभी क्या स्थिति है सर? अभी शांतिपूर्ण है किसी तरह। क्या कार्रवाई की जा रही है? दो आदमी को पकड़ा गया है जो उसके परिजन है, लेकिन जो खुद जो गोली चलाने वाला है वो भागने में सफल हो गया, उसको काफी दूर तक खदेड़ा गया। हथियार जब्त हुआ क्या सर? नहीं नहीं, वो संभवतः हथियार लेके ही भागा है, क्योंकि जो कट्टा था वो लेके ही भागा है, क्योंकि दोनों घर को पूरा सर्च किया गया है। लेकिन क्या नाम है उसका? नाम राज कपूर उर्फ प्रेम कुमार। आगे क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं सर? आगे बस दो आदमी को पकड़ा गया है, प्राथमिकी दर्ज, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं थाना अध्यक्ष हूँ। तो आपने पुलिस प्रशासन के अधिकारी की तो बातें सुन ली, मगर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वो भी जरा आप सुन। घर से 100 फीट दूरी पर थे, ठीक है। अच्छा। हम वोट देने के लिए आ रहे थे और देख रहे हैं कि बाहर में झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, हम देखे कि पुलिस एजेंट के धरले हैं, उस पर लाठी टान लेता, यहाँ से हम दौड़ के गए, 15-20 सेकंड लगा दौड़ने में, उसके बाद हम लाठी को धर लिए। धरने के बाद वो एक लड़का अंदर गया, उसका भाई लाठी लेते, उसका भाई अंदर गया, अंदर से पिस्टल लेकर आया, फायरिंग मारा, फायरिंग मारने के बाद सब छुड़ा छुड़ा होकर भागने लगा, तो फिर पिस्टल लेकर छत्ते पे चल गया। छत्ते पे गेने के बाद वो पुलिस एजेंट था ना, वो जाने लगा अपना घर के तरफ, तो वहाँ से फायरिंग मार कर उसको तकाया, किधर देखो मार देंगे गोली, मारा उसके बाद मारा तो साइड से पार हो गया गोली। क्या विवाद क्या था? विवाद ऐसा था कि अंदर वोटिंग हो रहा था, ये तो सुने हम कि वोटिंग अंदर हो रहा था, उसमें ऑब्जेक्शन हुआ कि इसका कुछ कहे वोट, इसका वोट ओरिजिनल नहीं है, दूसरा को वोट दे रहा था, प्रशासन रोका अंदर में उसको, बोगस वोट के प्रशासन से भी हल्ला कर दिया उसमें, उससे पहले भी प्रशासन से भी वो लड़का था जो भगदड़ किया था जाके अंदर। कितना फायरिंग किया है? दो फायरिंग हुआ है, और वीडियो भी है उसका, दिया पिस्टल हाथ में छत्ते पर का। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार। तो आपने सुना, देखिए पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है और उस युवक को पकड़ने की, धर दबोचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान चल रहा है, वोटिंग चल रही है, देखिए सातवें चरण का
जो मतदान है, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो चल रही है, मगर दो गुटों में नोकझोंक, बूथ नंबर 101। और उसके बाद तस्वीरें हम आपको अपडेट कर रहे हैं किस तरीके से युवक छत पर चढ़ता है और अपने घर के छत पर से दो राउंड हवाई फायरिंग करता है। माहौल तनावपूर्ण होता है मगर पुलिस प्रशासन फिर एक्टिव होती है। देखिए घटना मखदूमपुर थाना क्षेत्र के खोजपुरा गांव की है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है, हालांकि पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है और उसके बाद माहौल को शांत करवाया जाता है और उसके बाद फिर जो मतदान प्रक्रिया है वो सरल तरीके से उसकी शुरुआत होती है। मगर जिस तरीके से युवक ने दो राउंड हवाई फायरिंग की, कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए पुलिस प्रशासन तो अब एक्टिव है ही, मगर दो राउंड फायरिंग के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था, अफरा तफरी का माहौल, और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अभी ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। उस युवक को धर दबोचने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, मगर आखिर दो गुटों में जिस तरीके से नोकझोंक और नोकझोंक के बाद फिर मारपीट की नौबत, और फिर यह नौबत इतना बढ़ जाती है कि युवक अपने घर के छत पर चढ़ता है, उसके हाथ में हथियार होता है और हथियार का भय दिखाते हुए दो राउंड हवाई फायरिंग करता है। देखिए लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर समाया था, मगर पुलिस प्रशासन ने बहुत जल्द एक्टिव मोड में मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के बाद फिर से जो माहौल तनावपूर्ण हो चुका था, अफरा तफरी का जो माहौल था उसे शांत किया है। मगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 101 मखदूमपुर अंतर्गत जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रही है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।